रहीम। तो चलें आज का अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आज तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह यह है कि मुझे ज़ुकाम हुआ पड़ा है, गला भी ख़राब है, खांसी भी आ रही है, तो बड़ा परेशान हूँ। ये देखिए मेरा नाक थोड़ा सा ना ये सूख हुआ पड़ा है, नाक से पानी आ के। तो दो चार दिन हो गए हैं तकरीबन, कल परसों से तीन दिन हो गए हैं मेरा जो कि ये सिस्टम ख़राब है। और मैं मेडिसिन रेगुलरली खा रहा हूँ। पहले मैं लाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे कुड़िया में, कोई प्राइवेट सेक्टर क्या उसको बोलते हैं विलेज, कोई बोलते क्या यार विलेज कोई ना रूरल कोई क्या बोलते हैं यार हॉस्पिटल है, देही हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गया था, देखिए नाम ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया, उस दिन मैंने वैक्सीन भी लगवानी थी तो वैक्सीन लगवाई, उसके बाद मेरा गला ख़राब हो गया अचानक। तो मैंने सोचा कि मेडिसिन ले लें, मैंने मेडिसिन वहाँ से ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैं गया यहाँ हमारे इधर ना बड़ी मशहूर फार्मेसी है डॉक्टर साहब फार्मेसी, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब गला ख़राब है, खांसी आ रही है, जुकाम ही थोड़ा सा, उस टाइम जुकाम नहीं था तो गला बड़ा दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा था। तो उससे मेडिसिन ली, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, रात को खाई, सुबह मैंने बड़ी उम्मीद से सुबह तक ठीक हो जाएंगे हम, लेकिन कुछ ना ऐसा हुआ, कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और आपको आवाज़ भी मेरी ये महसूस हो रही होगी कि जब जुकाम हो ना बंदे को पता चल जाता है कि ये आवाज़ इस तरह की निकलती है बंदे की, तो आप महसूस कर रहे होंगे मुझे जुकाम भी हुआ पड़ा है। तो मेडिसिन खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी भी फ़िलहाल वही सूरत हाल है। मेडिसिन अभी मैंने फिर खानी है, दो खुराक सुबह फिर लेकर आया था वो भी खानी है, और पेपर के साथ तैयारी कर रहा हूँ, वो भी बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि जुकाम हो गया है। और वैसे घर वाले तो बोल रहे थे कि हमें मास्क लगाना चाहिए, कोरोना कोरोना भी हो सकता है। मैंने बोला कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक सबको अपनी पनाह में रखे इस मौजी बीमारी से, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो वैसे मैंने शुक्ले में बोला कि तीन दिन पूरे हो चुके हैं, तो सुनने में आ रहा था कि तीन दिन तक बंदा अगर तीन दिन में अपना काम डाल देता है, तो अल्लाह का शुक्र वैसे वैसे कोई सीन नहीं है। वैसे आपसे बात कर रहा हूँ फ़नी तौर पर, बाकी अल्लाह पाक सबको इस मर्ज़ से बचाए कोरोना से, ना ही बड़ा अजीब सा है। और अभी फ़िलहाल मेरा काम कुछ नहीं है, मैंने अभी पहले अपनी तैयारी की है पेपर की, उसके साथ थोड़े बहुत काम भी आगे पीछे चले गए, बाहर चले गए, नमाज का टाइम हो गया या कोई थोड़ी सी रेस्ट कर ली, यही बस एक्टिविटी हो रही है और कुछ भी नहीं, घर में हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने अपनी पेपर जो मैंने तैयार की है अपना, मतलब कि मेरा जो FIA का है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें हमने अप्लाई किया हुआ है, तो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो भी आपको नहीं बताएंगे, और दुआ करेंगे जब वो हमारी सिलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आप वहाँ पे यूनिफॉर्म में मिलेंगे या जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अभी पेपर की तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद बढ़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमने अपनी सीट निकालनी है, और अभी मैं पेपर की तैयारी के लिए जो भी MCQ तैयार किए हैं, जो भी स्टडी का प्रोसीजर है मेरा अपना, उसको मैंने तैयार किया है। उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ, मेरी इंग्लिश की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, तो अभी मैं कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रैग। टेंथ से मैट्रिक में जब थे तब इतने ख़ास किए नहीं थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और ट्रैक इन ड्रैग, इस तरह के कोई कुछ भी नहीं किया था हमने, भाई यार चिल किया था, पीछे बेली दोस्त होते थे, बैक बेंचर हम थे, पीछे बैठते थे और लोगों को टिफ़िन चुराने खाने पीने। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बोला, जरूर मैं बड़ा इंटेलिजेंट बड़ा था, मेरे साहब मुझे बोलते थे कि यार तू कैसे कर लेता है ये, बड़ा माशाल्लाह माइंड बड़ा, अल्लाह का शुक्र है। बाकी गपशप पर बड़ी मार है, मतलब कि ना इंजॉय किया स्कूल लाइफ में, पढ़े भी हैं और इंजॉय किया है, तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि टेंस ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे आपको, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ट्रैक इन ट्रैक टेंस इस तरह की प्रेपोजिशन जो भी इस तरह की है, लेकिन उस टाइम पे नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब वो पड़ गई हैं हमारे ज़िम्मे और अभी मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। अभी ड्रैग इन ड्रैग हो चुके हैं, उसके बाद अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे और टेंस जो कि वो थोड़े बहुत हमें आते हैं, लेकिन इंग्लिश पे अभी थोड़ा सा काम हो रहा है माशाल्लाह, इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। कल मुझे फ़ोन आया किसी का, तो मैंने उस वहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए,
तो मैंने बड़े बड़ी खुशी से मैंने फ़ोन उठाया कि इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो जब हमने वो इंटरव्यू सुना तो मैम जो वो इंग्लिश में बोल रहे थे और बात इंग्लिश में कर रहे थे, मैं आगे से फिर क्या होता, मैंने अपनी जो भी जैसी भी इंग्लिश आती थोड़ी बहुत ही हमने फिर बोलना शुरू कर दी। और मैम को हर एक टाइम है उनको पता चल गया कि इनसे उर्दू में बात की जाए तो अच्छा है, उन्होंने मेरे से उर्दू में बात करना शुरू कर दी। मैंने उनको बताया मैम इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अभी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ और मैं इस तरह का कोई इन्वायरमेंट चाहता हूँ कि जहाँ पर मुझे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए और जहाँ पर सारे लोग और मेरे सराउंडिंग जो कि वो इंग्लिश बोलें और मैं खुद बहुत सीख जाऊँगा। वैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लिसनिंग अच्छी है, मैं सुन लेता हूँ, बाकी मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। ये वाला मैंने नहीं वैसे बोला मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, ये तो मैं अपनी आप की सोच बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी मेरा माइंड बना के चले, उन्हें दोबारा फिर कॉल करूँगा। आज मैंने उनको कॉल करनी है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कि मैम प्लीज़ हमें ये अपॉर्चुनिटी दें और वैसे भी हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उन्होंने बोला था कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉडरेटर जो कि अब्रॉड कंट्री के उनके अकाउंट है उनको हैंडल करना है, उनके ऊपर आपने अपनी उनको रिप्लाई देना है इंस्टेंट, जो भी वहाँ पे उन्होंने जो बंदे आएंगे जो आप चैट करेंगे, उसके अलावा आपने कंटेंट क्रिएट करना है इंग्लिश में, कंटेंट राइटिंग। तो फिर भाई चुप कर गए, बाकी रिक्वेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे अगर उनसे बात हो जाए। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे पास फिज़िकली आना चाहते हैं वहाँ पे लोकली प्रोजेक्ट के लिए तो हम आपको वेलकम कहते हैं। तो उन्होंने मुझे उन्होंने एड्रेस दरअसल लाहौर में शिमला पहाड़ी वहाँ पे कोई इस तरह का कोई ऐसा शहीन कम्प्लेक्स वहाँ पे कोई था, तो मेरा माइंड बन रहा वहाँ पे जाने का, क्यों यार अभी मैं जॉब लेस हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ और अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ, अपने पेपर की भी तैयारी कर रहा हूँ जो मैंने एफ आई में दिए हूँ, उसके अलावा और बड़े पेपर चल रहे हैं, उसके अलावा फ़िलहाल अभी जो सरकमस्टांसिस है ना मेरे ये अलाउ नहीं कर रहे कि अभी आप फ्री में बैठें पढ़ें। तो जब तक जॉब नहीं मिली तब तक मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ, और जॉब की भी ट्राई में मुझे जॉब मुझे मिल जाए कहीं पे किस तरह की भी जॉब मिल जाए। ज़्यादा मेरी मैं कर रहा हूँ सीएस कंप्यूटर साइंस, अभी वो मुझ पर मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, मेरा काम अभी वो चल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मुझे उसमें मिले, लेकिन तब तक के लिए मैं फ्री नहीं बैठ सकता। मेरी ट्राई बड़ी चल रही है कि कहीं पर भी जॉब हो जाए, और बात कहीं से चली गई कहीं पर पहुँच गई। और ये जो टेंस है ट्रैक इन ट्रैक एक्टिव स्पेसिव, उस टाइम पे ना मेरे साथ मुखी साहब अल्लाह बाग उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हमारा बड़ा वो अदब भी करते हैं, हम उनका बड़ा अदब करते हैं और हमें बड़ी चाह से मिलते हैं, हमें हम उनसे डबल चाह से मिलते हैं। तो बड़े माशाल्लाह नाइस पर्सनैलिटी हैं वो, उस टाइम हमें बड़े ना मजाक में बोलते होते थे, बड़े शुक्र मेले लगा के पढ़ लो है टाइम तो लग गया है, हम शुक्र मेला में गुजार देते थे। लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि आगे जाके ये चीज़ें बड़ी काम की, बड़े इनके ऊपर आपकी ग्रिप लाजमी होनी चाहिए। तो अभी मेरा एक पोर्शन है जो मैं एफ आई में मैंने अप्लाई किया, उसमें इंग्लिश का एक पोर्शन है जिसमें मैंने सोचा इंशाल्लाह इंग्लिश में मैंने नंबर नहीं जाने देने इंग्लिश में से। तो पिछली दफ़ा मैंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया था, मैं इंटरव्यू में रह गया, इंटरव्यू में मैंने क्वालिफाई नहीं किया, उसकी वजह ये बनी थी कि मैं अपने कज़न को पेपर करा रहा था। मेरे पीछे बोलते हैं सीटीएस बड़ी कमाल की वेबसाइट है, सीटीएस बड़ी कमाल की सर्विस देते हैं, ये वो करप्शन नहीं होने देते इस तरह का, ये वो बड़ा बोला था पेपर नहीं इसमें हैक होगा, पेपर नहीं आपका चोरी होगा, कोई बंदा नहीं बैठेगा। जब मैं गया मेरे पीछे मेरा मामू का बेटा, उसका पेपर वहीं पर था, तो मैं उसके पीछे बैठ गया, फिर वो मेरे पीछे बैठ गया, मैं नहीं बैठा, वो मेरे पीछे बैठ गया, उसके बाद इसको पेपर आ रहा, मैंने उसको सारा पेपर करा रहा था। तो मैंने माशाल्लाह 100 नंबर का पेपर था, तो मैंने 45 नंबर का पेपर भी किया हुआ था, पीछे उसको बार बार बता रहा था, वो मुझे पूछ रहा था, बड़ा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, वो वेस्ट हो रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था। तो पेपर इस तरह करते करते टाइम लग गया, पेपर आने वाला आया, उसने बाहर नहीं दिया, मुझे पता चला कि 5 मिनट रह गया, मैंने बड़ी स्पीड मारी, स्पीड में फिर क्या होता था, फिर मैंने अपने से तुक्के लगाए, मैथ कितने ईजी क्वेश्चन थे, शायद मेरे को समझ ही करता आज मेरी ज्वाइनिंग हुई होती होनी थी, तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, बस 5 पेड़े में 3 पेड़े उसने इसको दे दी, कहानी कितनी पेड़े रह गई, इस तरह ये इजीली क्वेश्चन थे मैट्रिक लेवल के, इजी थे। लेकिन फिर वो मैंने मुझे बड़ा पछतावा हुआ। अभी फ़िलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने
इरादा किया था या गया, इंशाल्लाह 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 इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है, उसके लिए हम अपनी जान लड़ा रहे हैं। और ये जो इंग्लिश का पोर्शन है इसको भी तैयार कर रहे हैं, इसके बाद फिर मेरी ज़्यादा ग्रिप होगी इसमें, ये प्रेपोजिशन जो होती हैं उसमें उसे हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का मोस्ट ज़्यादातर पेपर ऐसे ही निकल जाता है। इसमें होते हैं वो कैसे बोलते हैं, वर्बल नहीं होता, जो ना यार क्या उसे बोलते हैं, वो थोड़े ईजी उसके मीनिंग होते हैं तो वो आपने निकालने होते हैं। मेरे जहन में माइंड में चीज़ का नाम नहीं आ रहा वो वाले, तो बस और कुछ भी नहीं है। बुक मेरी वहाँ पे पड़ी है, तो 2 बजे मैं दो एक बजे तक 1:30 बजे तक मैं करता हूँ अपनी जनरल नॉलेज, उसके अलावा अपनी थोड़े पाकिस्तान IQ लेवल, मैथ, हिस्ट्री, इस्लामी या जो भी इसमें आ जाता है। 2 बजे के बाद फिर मैं करता हूँ अपनी इंग्लिश की तैयारी। तो ये भी मैंने रिसेंटली मैंने इसको ना थोड़ा सा किया है लिंक इसके साथ के इस प्लान के साथ चला जाए, तभी मैं कर रहा हूँ। और मेरी ऑल ओवर से दरख्वास्त है यार, आप मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट समझ रहे हों, सपोर्ट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो वॉच करें, आगे फॉरवर्ड कर दें। और मुझे पता है कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही हमारे कोई 20,000, 25,000, 30,000 या 1,00,000 फॉलोअर होते हैं, इंशाल्लाह मैं अपना कैमरा जल्द ही चेंज करेंगे। और कॉन्फिडेंस भी हमारे में माशाल्लाह आ रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद और आएगा। तो क्योंकि बाहर जो लोग हैं ना, वो ना मुझे ना मजाक बड़ा करते हैं, मजाक से मुराद के ना मैं जा रहा हूँ कि बोलेगा वीडियो बना, वीडियो शूट कर, ऐसे कर, इन वहीं कर, वीडियो नहीं बनाना भैया। तो ना वैसे मैं जहाँ पे मुझे लगता है मैंने भाई यहाँ पे मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करना है और ये होनी भी चाहिए, तो वहाँ पे मैं करता भी हूँ, तो मैं नहीं डरता किसी से, लोगों का काम। आज मेरा थोड़ा माइंड और थोड़ा सा ग्रिप मजबूत हुई है कि लोग हैं ना, लोग आपके ऊपर बातें करते हैं, लोग नहीं किसी को भी छोड़ते। अगर आपका दोस्त सबसे अच्छा दोस्त है ना, जिसके साथ आपने अपना टाइम स्पेंड किया, जिसको आपने मनी चीज़ें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आपने उसके साथ की, जब भी उसने बुलाया आपने उसको दी, तो एक टाइम आता जब वो बंदा आपकी उसके साथ कोई अनबन हो जाए ना, और आपकी लड़ाई उसके साथ हो जाए, या आपका उसके साथ बोलना मनकते हो जाए, उसके साथ आपका लिंक ख़राब हो जाए, लड़ाई होगी, आप उसका लेन देन या बोलना उसके साथ ख़त्म, तो तब फिर वो बंदा आपको ऐसी ऐसी जगह से आपको टारगेट करता है कि आप सोचते नहीं यार, तो आपका दोस्त ही आपको मंगवाता है। किस तरह के बड़े दोस्त होते हैं, तो हर बंदा फिर समझ जाता है यार दुनिया कैसी है। तो उसका दोस्त जो अच्छा होता है ना, वो भी उसको बातें करने से नहीं रुकता, जब एक टाइम जब वो उसके मुखालफ हो जाता है ना, तो ये फिर जल्दी भी दुनिया है, बातें तो आपको हर भी बंदा करेगा, वो यही की करता पे है, वो यही करता पे है, ये की हो रहा है, ए की हो रहा है, तनु की लगे करता पे, तनु करन दे, तनु पीड़े या तनु कर बनाता पे, या तड़े ले करता रहा, उन्हें एक अपनी खुशी अपनी इंजॉय ले करता रहा, उन्हें अपना एक होंगे अपना माइंड सैट है, उन्हें एक अपनी थिंकिंग है, हाँ तनु ये चीज़ अच्छी हो लगती जी कर दो तुम भी करो, वक्री गल है कॉन्फिडेंस नहीं है नहीं लिया की कोशिश करो, अगर आ सकता है, अगर नहीं आ सकता तो फिर तुम चुप करके उन्होंने वेखो तो बेहतर यह है भी इग्नोर करो सारे किस बंदे की कोई कि ना इंग्लिश भी रहा ना नेवर आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, मैं तो अपने आप को यही कह रहा आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, भी मैंने किसी की परवाह कोई नहीं दी, लोग किमें मर्जी कर, लेकिन कुछ जगह इं जितने थोड़ी फील हो जाती यार इतने हम नहीं करा की हो। बाकी माशाल्लाह वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको कई चीज़ें कहाँ पे चला था, ऊपर नीचे चढ़ाइयाँ आई। और एक और बात मेरी ना, इससे मेरी ब्लॉगिंग से मेरी ना जो ये वाली माशाल्लाह हमारी उर्दू बड़ी अच्छी हो रही है, मेरी उर्दू पर थोड़ी बेसिकली मैंने सोचा कि यार मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार ना मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, जिससे माशाल्लाह मेरी ना इंग्लिश तो फिर आपको पता है उर्दू अच्छी हो रही है, और इस तरह मुझे नए नए अल्फाज सीखने को मिल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है मैंने लोगों के सामने कैसे बात करनी है। पहले मेरा ये होता था कि मैं लोगों के सामने जाता था, मैं सिर झुका के गुजर जाता, अब मैं देखता लोग हाँ मेरे सामने कोई आए कोई देखे मुझे,
तो ये दरअसल ये मैं नहीं, मेरे सामने हजारों बंदे खड़े हैं, अब पता नहीं कितने बंदे देखेंगे इसको, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 मिलियन, या शायद के 1,000, 2,000, 5,000, इतने बंदे देखें। हज़ार बंदा थोड़ा ही यार, 1,000 बंदा, इधर 500 बंदा खड़ा। मैं कोई बात बता चल गई, पिछले दिनों ने हमारी इधर खुड़िया में टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें ना जो नकाबत करने वाला कोई नहीं था, नकाब बोलते हैं जो बंदा स्टेट बुलाता है, मेहमान खुशी को दावा देता है, इस तरह की बातें बोलता है कि हम इनके शुक्रिया गुजार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि स्टेट पर आए, अपने ख्याल का इजहार करें, इस तरह की थोड़ी बहुत ही। तो उसको उधर कोई बंदा गया, मैंने माइक पकड़ा, तो मैं आपका भाई शुरू हो गया कि हम इनके ये हम इनके शुक्रिया गुजार हैं कि इन्होंने यहाँ पे आया, हमें टाइम दिया, तो ये हमारा क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है, ये प्लेयर ने खुद इसको मरकज किया। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट हमारी खुड़िया में होते रहते हैं, तो कांड इस तरह के मैंने अपने मतलब मेरे माइंड में याद दी कि मैं पीछे ना मेरी टांगे ऐसे ऐसे कहाँ भरी थी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बढ़ी है, मैंने कोई यहाँ पी इस तरह के बंदे बैठे हों आपके सामने, और आप इस तरह के बाल का चुनाव भी ना ठीक हो, तो भी शर्मिंदगी होती है। वो बंदा क्या कहेगा यार, ये बंदा क्या, इसमें उसकी मेरी तो हो रही होगी, उसकी भी होगी। तो इस तरह मैंने फिर शुरू कर दिया, तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। तो डरना नहीं है, दो चार दफ़ा चीज़ों को करें, कोई चीज़ें ऐसी है उनको दो चार दफ़ा करें और इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ नहीं होगा, मज़ीद बढ़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल अपने घर में ही कर रहा, पहले मैं अपने घर वालों से बड़े हेजिटेट करता था कि यार मैं बोलूँगा मुझे ना थोड़ी सी शर्मिंदगी होती, लेकिन अभी मैं अपने घर वालों को फिर फुल फ्री ओपन मैं बातें कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। मेरा भाई इधर से गुजरा, पीछे से एक इधर आया है, ऊपर मुझे देख रहा था, लेकिन मैं आपसे बातें कर रहा था। तो कॉन्फिडेंस बनता है यार, ये बात नहीं है कि नहीं बनता, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ना, मेरे माइंड में कभी आता था छोड़ दो कि मैं कहना यार व्लॉगिंग ने चले मेरी ये ज़िंदगी एक पार्ट बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी से जब तक सांसें चल रही हैं तब तक मैं अपनी डेली स्टोरी रिकॉर्ड करता रहूँगा, कोई देखे या ना देखे कोई बात नहीं। जब हम बंदा 40-60 साल की उम्र में जाएगा, अपनी मेमोरी याद करेगा यार ऐसे ऐसे फैमिली के बेटे बच्चियाँ चाचे ताए मामे देखेंगे, तो ये भी हो सकता है, इस तरह का भी सीन हो सकता है। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्त सारी ज़िंदगी अदा फरमाए, तो इससे अगर इनकम जनरेट होगी तो वो तो माशाल्लाह अच्छा है। पर मेरा वैसे घूमने फिरने का बड़ा दिल करता है, लेकिन अभी हमारा जो बजट है ना, जो हमारी पॉकेट है, वो इतनी इजाज़त नहीं देती कि यार आप ना घूमें फिरें, आपको सूट नहीं करेगा। लेकिन इंशाल्लाह करूँ फिर से मैं ट्रैवलिंग करूँगा, और इंशाल्लाह मेरी जॉब भी ऐसी होगी, मैं जॉब भी करूँगा साथ ट्रैवलिंग हम करेंगे, कोई ऑनलाइन इंशाल्लाह सॉफ्ट इंजीनियरिंग इस तरह की हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह पाक से उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह की कोई मिल जाए, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस तरह की कोई, जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम सोच रहे हैं अल्लाह पाक इस तरह की मेरा ताफ रहा है। हमें इस तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये मैसेज आ रहे हैं बार बार व्हाट्सएप के, तो इस तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, और जाते जाते वक्त यार ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कर देना यार।